अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद आप सब खैर से होंगे। आज की वीडियो में पहली कह रहा हूँ यार, पूरी देखना। जो लोग घर ब्रूडर बनाना चाहते हैं, मुर्गी से चिक्स को अलग करके उनको पालना चाहते हैं, तो वो ये वीडियो पूरी देखना। उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्ता ब्रूडर घर में आपने कैसे बनाना है, सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोलर आपने लाना है और बाकी सब चीजें आपको घर में अवेलेबल होंगी। मार्केट से लेने जाते हो आप ब्रूडर, आपको 2-3 हजार तक का मिलता है और आपको चाहिए भी वो महीने के लिए होता है, क्योंकि चिक्स ने रहना होता है 20-22 दिन चिक्स ने ब्रूडर के अंदर रहना होता है, उसके बाद आपका वो वेस्ट हो जाता है। या अगर वेस्ट नहीं भी होता तो यानी कि वो आपको लागत महंगी पड़ती है। तो वो ही चीज अगर आप सस्ती बना लें तो आपको चाहिए, आप वो इस्तेमाल करें। तो आज मैं ब्रूडर बनाने वाला हूँ और उसका क्या 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 चीजें चाहिए, कहाँ कहाँ लगानी है, कैसे बनाना है, तो आपको पूरा दिखाऊंगा और आपको चिक्स की आहार में केयर भी बताऊंगा। जो चीज़ें हमें चाहिए दोस्तों वो आपको सामने नज़र आ रही हैं। एक छुरी, कैंची, टायर, तार, बल्ब, कन्वर्टर, टेप, डब्बा और जिसके अंदर खाना डालते हैं वो वाली कोली, और ये चीज़ें हमें मेन चाहिए। इसके अंदर जो हमारी यूज़ होंगी इनमें से ऑलमोस्ट हर चीज़ आपको घर से मिल जाती है। ये सर्किट सारा दोस्तों अभी मैं आगे लगा दूंगा। अडॉप्टर है इसके अंदर, स्विच वगैरह, होल्डर वगैरह है, तो आगे देख रहे हैं। जहाँ से भी लेना, अगर आप हमसे लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, आप रब्ता कर लें, आपको मिलेगा। और ये देखें अब इसका जो सर्किट है, वैसे मैं आपको सारा समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाने के लिए बताऊँ, ये जो अडॉप्टर की दो वायर्स हैं आपकी, ये वाले पोर्ट, इसके अंदर चार पोर्ट होते हैं, यहाँ पे दो पोर्ट के अंदर जाएंगी और जो दो पोर्ट की वायर्स हैं ये निकल के एक होल्डर में जाएगी, एक स्विच में जाएगी, और दोनों स्विच में जाएंगी लेकिन एक होल्डर से मैच होगी। उसके बाद ये वाली जो है, ये आपका टेम्परेचर सेंसर है जो आपको टेम्परेचर बताएगा कि कितना टेम्परेचर हो गया है, कितना आपका ब्रूडर के अंदर टेम्परेचर है। तो ये यहाँ पे इसके वैसे मोटा मोटा आपको यहाँ पे समझ लग गया सर्किट जो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी इसका मैं इधर लगा दूँ। दोस्तों ये देखें, सबसे पहले हमने बॉक्स ले लिया। अब बॉक्स आपको किसी भी तरह का मिल सकता है, लेकिन मुझे इस तरह का मिला था, मैंने इसलिए ले लिया। देखें अब बॉक्स है, इसकी मैं हाइट अगर कम रखूंगा, बल्ब इधर लगाऊंगा, वो हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, चूजों के अंधे होने का भी डर है। आपने क्या करना है, आपने इस तरह का, अगर आपको बॉक्स मिले आपने इस तरह का ले लेना, मैंने दूसरा बोर्ड ढूंढा है, आप इनको अब जोड़ लेंगे, चारों कोनों को आप टेप लगा के या तार मार के, जो मैंने आपको दिखाई है, मैं तार इसलिए लाया हूँ, तार मार के टेप मार के इनको जोड़ लोगे ताकि हाइट इंक्रीज हो जाए। फिर ऊपर को अगर आपने ढक्कन का करना हो, वो भी गत्ता रख के आप ढक्कन का लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं ये चारों कोनों को इसके साथ जोड़ लूंगा तार के साथ। तो मैं अब एक को करके दिखाता हूँ कोने को, इस तरह आपने चारों कोनों को काट लेना। दोस्तों ये देखें, मैंने वायर का पीस काट लिया, इजीली आपने इसको यहां से तार को ऐसे मार देना, ठीक है, इतना को आपने पीस काटना है कि ज्यादा भी ना हो, और उतना को काटना है जो आपकी एक बंद हो जाए कीड़ा की तरह, ठीक है। ये देखें, ये हो गया, ठीक है। अब मैं एक यहां नीचे मार लूंगा, इसी तरह मैं चारों कोनों में बारी बारी मार लूंगा। अब मैं वो मार लेता हूँ दोस्तों, चारों तरफ से मैंने तार मार ली है, ठीक है, ऊपर से ये मजबूत हो गया काम। अब मैं क्या करूंगा, मैं बल्ब लगाऊंगा इधर करके इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले मैं होल्डर को पकड़ लूंगा, और क्योंकि मैंने डॉक्टर का सर्किट पहले ही साथ काट लिया हुआ है, इस तरह देखें मैंने बल्ब लगाना है सेंटर पे। मैं मार्कर लेके छुरी से जब काटूंगा इस तरह, फिर एक्यूरेट कटेगा, ज्यादा इसका मुंह नहीं खोल इतना होगा, यानी कि पूरा बल्ब इसके अंदर फिट आएगा। अब मैंने जब इसके ऊपर यहाँ पर निशान लगा लिया, अब जो निशान लगाया है मैं अंदर की तरफ इसको काटूंगा, ठीक है, और टेम्परेचर सेंसर मेरा लगेगा यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोलर मेरा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी निशान लगा लेता हूँ ताकि मुझे पता हो कि कहाँ पे कौन सी चीज लगनी है, कहाँ पे कौन सी चीज लगनी है। ये देखे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया, और यहाँ पे एक मैं जरूर सुराख करूंगा, वो जो मैंने टेम्परेचर सेंसर इसके अंदर गुजारना है, बाकी सारी चीजें तो बाहर ही रहनी है। चले अब मैं सुराख वगैरह करता हूँ इसका और इसको फिट कर। दोस्तों इसको मैं यहाँ पे टेप कर दूंगा ताकि ये किसी चीज के साथ लगे वगैरह ना। ये देखें अब ये इस तरह लेगा, उसके बाद जो होल्डर मैंने लगाया था वो यहाँ पे आ गया, थोड़ी सी जो जगह ये गत्ता रख के कवर कर लूंगा मैं। अब यहाँ पे ये देखें दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आप देखें मैंने क्या कहते हैं टेम्परेचर कंट्रोलर फिट कर दिया है, तार आपने थोड़ी साइड पे करके मारनी है, हो सके तो अंदर की तरफ आप
मुंह मार लीजिएगा तार का, क्योंकि यहाँ पे देखें, ये देखें अब तार मैंने थोड़ी सी साइड कर भी मारी है, अब यहाँ पे ये फिट हो गया ठीक है। ये जो था टेम्परेचर सेंसर, ये अंदर चला गया, यहाँ से सुराख से बल्ब का होल्डर यहाँ लग गया, और बाकी जो अडाप्टर है इसका ये यहाँ है। अब अडाप्टर के आगे मैं कन्वर्टर लगा दूंगा। हमारा ब्रूडर ऑलमोस्ट हो गया तैयार, ऑलमोस्ट क्या, हमारा ब्रूडर हो गया तैयार, क्योंकि इसके अंदर होती ही बस ये चीज़ें देखिए, आगे कन्वर्टर लग गया, स्विच इसका लग गया। अब बल्ब हम इस इधर लगाएंगे इसको, और इसको भी चला के देखेंगे और इसके अंदर चिक्स छोड़ेंगे। और मेन चीज़, जब आपने इसके अंदर चिक्स छोड़ने हैं, आपने इसके अंदर वो कोई शीट वगैरह ज़रूर बिछानी है, क्योंकि ताकि जो गंद वगैरह हो उसको आप हर वीकेंड पे उठा के फेंक दें। और यहाँ पे मैंने एक जो सुराख है ये पहले का हुआ था बॉक्स के अंदर, तो अगर आप शीशा पे लगाना चाहें तो आप यहाँ पे लगा भी सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाना, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऊपर से जो ओपन छोड़ना है। बस ये देखें टेम्परेचर सेंसर लग गया, बल्ब लग गया, और ये जो कप आपको बोला था वो मैंने लगा दिया ठीक है। कप के साथ जो लोहे की तारें होती हैं वो खुद ही आ जाती हैं साइड पे ठीक है। और उसके बाद अंदर मैंने कागज़ वगैरह शॉपर डाल दिए, ताकि हर वीकेंड पर साफ़ कर लूँ। छोटे परिंदे हैं, इन्होंने इतना ज़्यादा गंद नहीं डालना होता, तो इनका कवर अप हो रहता है। बाकी बाहर से भी सारा बन गया, अब टाइम है इसको चला के देखने का, और इसको थ्री स्विच में लगाने का, उसके अंदर चूजे छोड़ने का। ऊपर वाला वो जो ढक्कन है, ऊपर आप गत्ते का कोई भी ढक्कन दे सकते हो ठीक है, जिससे टेम्परेचर आपका कर लें कवर, क्योंकि हमें बॉक्स ही खुला मिला तो हमने उसके हिसाब से यूज़ करना है इसको। आप कर सकते हो, ये बल्ब कनेक्शन हो चुका है दोस्तों, बल्ब चल गया। अब यहाँ पे नीचे सेटिंग पे अगर करें, अंदर से भी दिखाता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया। जब ये मैंने इस पे सेट किया हुआ है, ये सेटिंग आप नेट से देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है, सेटिंग ईजी है करनी। सेटिंग आप कर लें, जब 37 पे हो जाएगा बंद हो जाएगा, फिर जो जो चीज बड़े होते जाएंगे तो उस तरह आपने इसका टेम्परेचर घटाते जाना है, आधा पॉइंट एक पॉइंट करके। तो यहाँ से ये देखें टेम्परेचर चल गया, बल्ब चल गया, बल्ब ऑन हो गया, ये देखें अंदर से। अब इसके ऊपर कोई कवर रख दें जिस तरह अब ये टेम्परेचर सेंसर है जो इसका, इसको आपने बिल्कुल बल्ब के नीचे नहीं रखना, नहीं तो वो टेम्परेचर आपने असल में कोनों कोनों में टेम्परेचर सेंसर लगाना है, ताकि हर कोने में इक्वली टेम्परेचर जा रहा है कि नहीं आपको पता लगता रहे। क्योंकि इक्वली टेम्परेचर जाएगा तो पूरे बॉक्स में चिक्स ने फिरना है, तो उनके लिए बेहतरीन काम रहेगा। अब यहाँ पे ये देखें टेम्परेचर पहले कितना था, 25.4 हो गया। अब तो इसी तरह टेम्परेचर ये बढ़ता जाएगा जब चिक्स छोड़ लेता हूँ, और फिर देखते हैं कितना को उनके लिए खुला इलाका ये। तो दोस्तों ये चेक करें, अंदर चिक्स छोड़ दिए हैं अभी, और इसमें कुछ बड़े वाले मेरे पास चिक्स पड़े थे, कुछ छोटे वाले चिक्स पड़े थे। अब इसके अंदर वाइट भी छोड़ लेता हूँ दोस्तों, सारे चिक्स इसके अंदर डाल दिए हैं। ये देखें, ये मेरे पास तकरीबन ये जो आपको नज़र आ रही है, ये 26 से 27 चिक्स हैं। इसके अंदर तकरीबन 12 चिक्स हैं जो वो एक मंथ के होने वाले हैं, और बाकी अभी 3-3 दिन हो गए हैं ठीक है। तो ये देखें, ये ईजीली इसके अंदर इतने ब्रूडर में रह रहे हैं आप। ये देखें गाइस, मैंने दूसरे डब्बे का कवर इसके ऊपर रख दिया है। ब्रूडर तो दोस्तों आपको बनाना आ गया होगा, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया आपको कैसे आपने बनाना है। अब ब्रूडर के अंदर, ब्रूडर तो आपने बना लिया, अब चिक्स की कुछ केयर पर बात कर लूँ जो आपको करनी चाहिए न्यू बॉर्न चिक्स की। अब खासतौर पर एक जो बहुत मेन इशू आता है वो ये होता है, चूजे की बीट जम जाती है उसके पीछे। तो ये क्यों जमती है दोस्तों, जब चिक बन के आता है उसके पेट में जर्दी होती है, इसलिए कुछ लोग इसको गुड़ वाला पानी या चीनी वाला पानी देते हैं। ये पानी देना जरूरी होता है, पहला एक वीक आप ये पानी जरूर दिया करो, जो जर्दी वगैरह होती है अंदर वो जो जम जाती है बाहर आके, फिर बीट में वो उसका मसला नहीं होता। उससे ये होता है कि मुर्गे की पीछे बीट जम के वो फिर उससे बीट नहीं होती, और मुर्गा चूजा आपका बीमार होकर मर जाता है, क्योंकि अपनी तरफ से वो कर रहा होता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रही होती। इसके दो हल होते हैं, आपने एक तो उसको हटा देना हाथ से, अगर सहत है तो, अगर गीली है तो इजीली हट जाएगी, और आपने सामने उसको गुड़ वाला चीनी वाला पानी देना, ऐसे क्लियर हो जाएगा। बाकी आप उसको फ्रीज के अंदर थोड़ा बाजरा मिक्स करके दे सकते हैं। फीड पे मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वीडियो देखनी है वैक्सीन करने की चिक्स को या फीड की, तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक का दो वीडियो जरूर देखना। तो आखिर में ऐसे ये रिक्वेस्ट है यार, वीडियो कैसे लगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।